लास्ट दिवाली इवेंट 2023 के अंदर राजा राम के थीम पे एक मस्त सा बंडल और लंकेश पति रावण के थीम पे एक बंडल देखने को मिला था। वैसे ही इस बार के दिवाली इवेंट 2024 के अंदर दो बंडल आने वाले हैं, जिसका मुझे रिव्यू मिल चुका है और ये भी पता चल चुका है कि इसके अंदर से कौन सा बंडल फ्री क्लेम करने को मिलेगा। खतरनाक अपडेट, अपना गोल्डन शेड बंडल गेम के अंदर वापस आने वाला है विथ न्यू अपडेट के बाद एड करे जाने वाला न्यू गोल्डन शेड बंडल। पर्पल शेड बंडल को लेकर एक मस्त सी अपडेट मिल चुकी है और अपडेट देने वाला डबल डायमंड टॉप अप इवेंट को लेकर। अपडेट के बाद इन गेम कुछ मजेदार से चेंजेस करे जाने वाले, इसको लेकर आपको अपडेट मिल जाएगी। टोटली गाइस आज का ये वाला वीडियो आप सभी का दिल गार्डन गार्डन कर देगा। चीन टपाक डम डम। तुम्हारा ताऊज तुम्हें पता होगा यार, एक मिनी अपडेट के बाद गेम के अंदर गैस यार नुबड़े 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 सॉरी गैस ठीक है, नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसके थीम पे एक इमोट ऐड करा गया था। आप सबकी डिमांड थी कि फेको भाई यार इसका इवेंट गेम के अंदर कब आएगा, तो लो भाई धोती को ढीली कर गए। नाटू नाटू गैस इमोट का एक ग्रुप डांस इमोट है यार, और इसका इवेंट ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है। दरअसल गैस ये आएगा एक फेडल व्हील में। अगर बात करें इसकी डेट की तो आने वाले गैस 22 अगस्त को इवेंट ऑफिशियली कंफर्म है। 22 अगस्त को सुबह 4 बजे फेडल विल इवेंट के अंदर इसका इवेंट ला दिया जाने वाला है। बाकी भाई इमोट काफी अच्छा खासा है, खास करके गाइस एक ग्रुप डांस इमोट है और बस सस्ती इवेंट आई मीन आपको फेडल विल के अंदर दिया जाने वाला है, तो आप लोग इसे निकाल सकते हो ठीक है, इमोट वर्थ इट है। बाकी गाइस मैं तुम्हें बताना चाहूंगा गाइस स्टीरिया ऐप के बारे में, जो कि गाइस डायमंड खरीदो ऐप का दूसरा वर्जन है। यहाँ पे गाइस आप लोग सस्ते में वीकली मंथली मेंबरशिप को परचेस कर सकते हो और साथ ही में सस्ते में ईवो गन के टोकन भी। डायमंड खरीदो गैस एप स्टीरिया ऐप है और स्टीरिया ऐप ही डायमंड खरीदो ऐप के। बाकी गैस आपको ट्राई करना है, लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दे दूंगा, मैं भी खुद इसका यूज करता हूँ भाई। फाइनली 1.5 साल बाद ठीक है भाई, यू के तो 100 साल बीत चुके क्योंकि गैस मेरी मूछे आ चुके, दाढ़ी आ चुके, हालांकि कुछ और जगह पे भी बाल आ चुके। गैस मैं माथे की बात कर रहा हूँ, सर की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। त्रेता युग कलयुग बीतने के बाद गैस फाइनली अपडेट निकल के आ गई है अपनी ईवो स्कार 2.0 का, जो की आप सभी लोगों ने भाई बेसब्री से इसका इंतजार किया है। वेल भाई नेक्स्ट OB46 अपडेट के बाद यानी 4 सितंबर के बाद अपने गेम के अंदर ईवो स्कार 2.0 को ऐड कर दिया जाएगा। बाकी तो तुम्हें पता ही कि यार ईवो गन किस में आती है, लेकिन जिन लोगों को ईवो स्कार 2.0 चाहिए गाइस उनको एक दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको पता होगा ईवो वर्ल्ड इवेंट गाइस 2 सितंबर को चेंज होने वाला है, जबकि गाइस गेम के अंदर अपडेट आएगा 4 सितंबर को। यानी गाइस नेक्स्ट ईवो वर्ल्ड इवेंट के अंदर ईवो स्कार नहीं आ सकती, क्योंकि गाइस आपको पता होगा भाई ईवो वर्ल्ड इवेंट 2 तारीख को आएगा और ईवो स्कार ऐड होगी 4 सितंबर को, तो इस जगह आपको अक्टूबर महीने के अंदर ईवो स्कार 2.0 ईवो वर्ल्ड में देखने को मिल जाएगी। वेल अगर गैस कोई भी ईवो स्कार 2.0 आने का वेट कर रहा है तो भाई कमेंट के अंदर गैस बता देना। वेल अगर गैस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है गैस मुट्ठी की स्किन इवेंट को लेकर। सबसे पहले गैस बात करते हैं न्यू मुट्ठी की स्किन, ओल्ड मुट्ठी की स्किन को लेकर मैं आपको अभी अपडेट देता हूँ, लेकिन पहले बात करते हैं न्यू मुट्ठी की स्किन। तो यहाँ पे देखो OB46 अपडेट के बाद गेम के अंदर एक न्यू मुट्ठी की स्किन को एड करा जाने वाला है। मुट्ठी की स्किन का गैस आप लोग नाम पढ़ लो ताकि गैस आपको अंदाजा लग जाएगा कि यार कौन से इवेंट के थीम पे है, लेकिन अगर गैस आपको अंदाजा नहीं लगा तो बता देता हूँ कि यार ये नेक्स्ट अपने बुयर्ड इवेंट 2024 के थीम पे है। नॉर्मली गैस न्यू मुट्ठी की स्किन गेम के अंदर फेडल विल इवेंट के अंदर दी जाती है, तो बुयर्ड इवेंट जब गैस इंडिया के अंदर स्टार्ट करा जाएगा तब ये न्यू मुट्ठी की स्किन आपको फेडल विल के अंदर दे दी जाने वाली है। हालांकि तुम्हारे भाई को इसका जो लुक वगैरह ठीक है एनिमेशन है वो कुछ खास तो नहीं लगा यार, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगा है तो कमेंट के अंदर बताना। न्यू मुट्ठी की स्किन तो ओबी अपडेट के बाद बुयडी इवेंट के अंदर आ जाएगी, लेकिन आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि यार कोई ओल्ड मुट्ठी की स्किन इस महीने आएगी। तो वेल गाइस अभी तो लीक्स के अकॉर्डिंग अपडेट है और आपको पता होगा भाई हर महीने हमारे गेम के अंदर मुट्ठी की स्किन को लेकर इवेंट आता ही है ठीक है। अगर न्यू है तो फेडल विल आता है, अगर गाइस न्यू नहीं है ओल्ड है तो मोको स्टोर आता है। मुट्ठी की स्किन को लेकर गाइस कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन वाली अपडेट नहीं है, लेकिन लीक्स के अकॉर्डिंग अपडेट है कि आने वाले 25 अगस्त का आप लोग वेट कर लो गाइस। 25 अगस्त तक आपको मुट्ठी की स्किन को लेकर मोको देखने को मिल जाएगा, बाकी ऑफिशियली गाइस कंफर्म होने तक आप लोग वेट करो। जैसे गेम के अंदर इसका बैनर ऐड किया जाएगा फिर गाइस मैं आपको इसको लेकर कंफर्म अपडेट विद इसके कंफर्म डेट बता दूंगा, बाकी तभी के लिए मुट्ठी मारो चाय पियो। लास्ट बार की OB45 अपडेट के बाद काफी सारे लोगों की ठीक है कंप्लेन आई है कि यार बरमुंडा मैप के अंदर काफी धूप पड़ती है और गर्मी काफी होती है, जिसकी वजह से ठीक है भाई चड्डी में तक पसीना आ जाता है। खास करके अपना जो फैक्ट्री लोकेशन है वहाँ पे जो है मजदूर काम करते हैं और जहाँ तक गाइस वो लैंडिंग वगैरह
पैदा करते हैं भाई उनको तो काफी गर्मी होती है और गस इसका सॉल्यूशन गर्ना के मालिक चावली ने इस बार के अपडेट के अंदर कर दिया है। 4 सितंबर को जिससे गस आप लोग गेम को अपडेट करके फैक्ट्री पे मजदूरी करने के लिए आओगे, आई मीन गस रैंक पुश करने के लिए, तो यहाँ पे देखो हर जगह पे गस आपको बर्फ दिखने को मिलेगी। हालांकि भाई कुछ बर्फ ठीक है ब्रोकेबल है, तो भाई कुछ बर्फ बहुत ही ऐसी जमी हुई की आप उसे तोड़ नहीं सकते है, ठीक है। जैसे की भाई काफी सारे लोकेशन पे जो भाई बर्फ है उसे आप तोड़ सकते हो। फैक्ट्री में गस घुसने के लिए जो गस मेन इसका एरिया है इसे भी भाई बर्फ से कवर कर दिया, ठीक है। हालांकि आप इसे गैस तोड़ सकते हो और अगर आप चाहो तो इसके पीछे कैंपिंग भी कर सकते हो। अब यार ये सारी चीज ठीक है देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि भाई अब गैस आपको अपडेट के बाद जो भाई अपना बरमुंडा मैप का लोकेशन खास करके जो फैक्ट्री लोकेशन है गैस वहाँ पे आपको कोई गर्मी वगैरह लगेगी। यहाँ पे गैस काफी सारे लोकेशन पे ऊपर का पोटी अच्छे खासे गैस बर्फ देखने को मिलेगी जिसका गैस आप लोग यूज करके भाई बर्फ का गोला बना के भी खा सकते हो। यहाँ तक कि भाई गर्ना के मालिक चल ठीक है जो भाई इसकी सीढ़ियां वगैरह भाई यहाँ पे भी बर्फ को जमा दिया, ठीक है। साले ने इसको भी नहीं छोड़ा है। फैक्ट्री का जो गैस मेन लोकेशन ठीक है ये वाला गैस यहाँ पे देखो गैस यहाँ पे बर्फ वगैरह हुए है, ठीक है। हालांकि गैस अगर आप लोग इसे तोड़ दोगे तो आप नीचे गिर जाओगे। यार अपडेट के बाद ठीक है फैक्ट्री के ऊपर आने के बाद सबसे पहले गैस यहाँ पे ठीक है इस वाले गैस लोकेशन को तोड़ देना ताकि भाई साला अगर कोई एनिमी भाई कैंप वगैरह कर रहा होगा तो साला भाई जल्दी नीचे भाई टपक पड़ेगा। अगर आपका जो फ्रेंड है ठीक है भाई बर्फ की प्लेट पे ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो भाई बर्फ की जो प्लेट है उसे तोड़ देना, साला भाई झपांग से नीचे गिरेगा भाई, कते मजा आएगा उसे ट्रोल करने में। अब आपके गैस कमेंट के अंदर राय होनी चाहिए कि यार ये चेंजेस आपको कैसा लगा, ठीक है, तो भाई कमेंट के अंदर मेक श्योर मुझे आप बताना। खैर मेरे गैस ताऊ जी वीडियो के अंदर अपन लोग आगे बढ़े और बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट की, तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है अपने पर्पल शेड बंडल को लेकर। जो पर्पल शेड बंडल है गैस इसका लास्ट बार जो प्रैक्टिस करने की कोशिश करी गई तो गैस इसका रिंग इवेंट निकल के आया विथ गैस समर इवेंट के थीम पे। जो पर्पल शेड का हेयर स्टाइल गैस इसका कॉपी टू कॉपी गैस एक हेयर स्टाइल है। अब जो गैस ठीक है कॉपी हेयर स्टाइल, ठीक है गैस अकेला कोई हेयर स्टाइल नहीं है गैस, ये एक पूरा बंडल है जिसका नाम है वाटर बॉम्ब बंडल जो कि एक समर इवेंट के थीम पे है। वाटर बॉम्ब बंडल के जो भाई पार्ट्स वगैरह गैस उसके साथ में आएगा अपना पर्पल शेड बंडल और इवेंट गैस रहेगा एक रिंग इवेंट। वेल गैस अगर बात करें इवेंट के कि इवेंट कब आएगा तो इसको लेकर अभी अपडेट ये कि भाई सितंबर से लेकर गैस अपने अक्टूबर महीने के बीच में इसको लेकर आपको इवेंट देखने को मिलेगा। एक चीज कन्फर्म है कि ये आपको रिंग इवेंट के अंदर ही देखने को मिलेगा, जिस लाइक अपने गैस जोम्बी समुराई की तरह जो कि एक टोटली स्कैम इवेंट गैस रखा जाएगा अपन सभी को लूटने के लिए। जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा गैस जो अपना पर्पल शेड बंडल है गैस इसको लेकर मेरे पास और भी इन्फॉर्मेशन निकल के मेरे पास आती जाएगी और गैस वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। जो पर्पल शेड गैस बंडल है इसका काफी हाई चांस है गैस अक्टूबर महीने के अंदर ही आने का विथ गैस अपने दिवाली स्पेशल, क्योंकि इस तरह के जो बंडल्स वगैरह होते हैं गैस खास करके अपने फेस्टिवल के अंदर ही देखने को मिलते हैं। अगर गैस आप लोग हमारे रेगुलर यूजर हो तो मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है कि OB46 अपडेट के बाद गेम के अंदर कौन कौन सी इवेंट आएगी। अगर गैस आप लोगों ने ठीक है रेगुलर सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा और उन्हीं सारे इवेंट के अंदर एक इवेंट है फ्री फायर का वर्ल्ड सीरीज इवेंट है। आपको गैस पता होगा जो क्लॉक टावर है उसके पास एक पूल है, ठीक है गैस ये वाला। अब यहाँ पे जो अपना फ्री फायर का वर्ल्ड सीरीज गैस इवेंट है इसे सेलिब्रेट करने के लिए गैस कुछ इस तरह का एड किया गया है। FFWS इवेंट के थीम पे गैस एक स्टेज को बनाया गया, ठीक है, जहाँ पे गैस आपको एक माइक मिलेगा। अब गैस यहाँ पे आप लोग खड़े होकर भाषण बाजी कर सकते हो। जो स्टेज है ठीक है गैस इसके नीचे देखो फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज इवेंट लिखा हुआ है, यानी गैस आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो ठीक है कि यार यहाँ पे काफी गैस आपको जो वर्ल्ड सीरीज इवेंट के थीम पे चीजें देखने को मिलेगी। फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज गैस इवेंट नवंबर महीने के अंदर स्टार्ट करा जाने वाला है, ठीक है, जिसकी गैस यहाँ पे एक ट्रॉफी भी है। हालांकि आप इसे उठा के पटक नहीं सकते, नहीं तो गैस मैं इसे उठा के तोड़ देता। भाइयों बहनों 15 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस दिन सारे दोस्तों अपने दोस्तों को रंग लगा के आकाश में हवा में रॉकेट छोड़ते हैं, तो इसलिए सभी को 15 अगस्त की हैप्पी दिवाली। आई तो भाई यहाँ पे गैस आप लोग खड़े हो गए, ठीक है गैस कुछ इस तरह के भाषणबाजी वगैरह कर सकते हो जो कि मेरे को काफी अच्छा लगा। हालांकि यहाँ पे कुछ खास तो है नहीं, ठीक है, लेकिन विल गैस यहाँ पे आप लोग एंजॉय करने के लिए आ सकते हो। हमारे गेम के अंदर गैस दिन ब दिन भाई कोई ना कोई इवेंट आके टपक पड़ता है, खास करके यार रिंगी इवेंट तो भाई हर 2-3 दिन बाद गेम के अंदर आ जाता है। जैसे की गैस आप खुद देखो आज ही गेम के अंदर एक सुपर हीरो का रिंगी इवेंट आ गया। जो भी लोग भाई गेम के अंदर टॉप वगैरह करते हैं, ठीक है, फिर गैस बहुत ही कम टॉप वगैरह करते यार वो वेट करते हैं डबल डायमंड टॉप अप इवेंट आने का। वेल गाइस लास्ट वीडियो के अंदर ये आप सभी का काफी क्वेश्चन था, हमें ऐसा देखने को मिला है कि यार हर बार गेम के अंदर ओबी अपडेट में एक ना एक बार लेजिस मोर और डबल डायमंड टॉप अप इवेंट आता है। आपको पता होगा इस बार गाइस इस अपडेट में लेजिस मोर ऑलरेडी आ गया है और अपने 7th एनिवर्सरी स्पेशल। अब गाइस इसी चीज को देखते हुए ठीक है गाइस लीक्स के अकॉर्डिंग मेरे पास अपडेट आई थी कि भाई जल्द अपने गेम के अंदर हमें डबल डायमंड टॉप अप इवेंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन जिस तरह के गाइस गेम के अंदर हालात है और जैसे गाइस
दिन वगैरह बीत रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यार इस अपडेट के अंदर हमें जो डबल डायमंड टॉप अप इवेंट है देखने को नहीं मिलेगा। अब गैस अपने को दिवाली इवेंट का टाइम देखने को मिलने वाला है अपना डबल डायमंड टॉप अप इवेंट, क्योंकि गैस ठीक है मेगा इवेंट 7th एनिवर्सरी में आया था अपना लेजेस मोर, तो अब गैस आपको दिवाली इवेंट के अंदर मेगा इवेंट में देखने को मिलेगा डबल डायमंड टॉप अप इवेंट। दिवाली इवेंट के अंदर गैस ऑफिशियली 100% कंफर्म है कि आपको डबल डायमंड टॉप इवेंट देखने को मिलेगा, लेकिन दिवाली इवेंट आने में काफी देर है, तो इससे पहले भी गैस एक बार आने वाला होगा, मुझे अपडेट मिलेगी, इस महीने आने वाला होगा, नेक्स्ट महीने आने वाला होगा, तो भी गैस मैं आपको अपडेट दे दूंगा। यार एक तो तुम सभी की ठीक है भाई गोल्डन शेड बंडल, नेवी शेड बंडल और पैंथम समुराई की जो डिमांड है भाई खत्म नहीं हो रही ठीक है इंडिया के अंदर, और ऊपर से गर्मा के मालिक चावली ने भाई गेम के अंदर एक जो नया गोल्डन शेड बंडल है गैस इसी गेम के अंदर अपडेट के बाद एड करा जाने वाला है गैस मेल प्लस एक फीमेल का। अब यार जो नया गोल्डन शेड बंडल है इसका नाम रखा गया गैस मिस्टिक उरा बंडल ठीक है, जिसके अंदर गैस आपको अच्छा खासा एनिमेशन वगैरह मिलने वाला है विद गैस अच्छे खासे ठीक है बंडल के पार्ट्स वगैरह। भाई शेड बंडल का एकदम कॉपी टू कॉपी है ठीक है, बस गैस इसके अंदर कुछ एनिमेशन एड किया गया है ठीक है, गैस इसका जो कलर है चेंज किया गया है, बाकी गैस कुछ भी नहीं है ठीक है, लेकिन गैस मानना पड़ेगा लग रहा है काफी कूल यार। इसके साथ में गैस आपको दिया जाने वाला है गैस एक मस्त सा फीमेल बंडल, जो कि गैस आप लोग देखो ठीक है भाई ये भी कते बबल टाइप का लग रहा है, खास करके जो फीमेल है उनके तो मजे मजे, और गैस मेल का तो ऑलरेडी है, तो बात कुछ ऐसी है कि गैस अपडेट के बाद गैस एड करे जाने वाले गैस ये दो बंडल साथ में गैस अपने पैंथम समुराई नेवी शेड बंडल और जो गैस अपना गोल्डन शेड बंडल है गैस इनको मिक्स मसाला करके गेम के अंदर एक रिंग इवेंट ला दिया जाएगा। मिस्टिक ओरा बंडल जो कि अभी गैस मैंने आपको शो किया अपडेट के बाद एड करे जाने वाला गैस न्यू बंडल प्लस अपना जो गोल्डन शेड बंडल है गैस वो दोनों ग्रैंड प्राइस के अंदर रहेगी, यानी गैस आपको उस डायड स्पिन करके निकालना पड़ेगा। अगर मैं बात करें इवेंट की तो नॉर्मल सी बात है यार एक रिंग इवेंट रहेगा जो कि एक टोटली स्कैम इवेंट होगा, अगर आपको स्पिन करना है तो गैस आप लोग कम से कम 8 डायमंड को सेव करके रखना। अगर गैस गेम के अंदर सब कुछ सही रहा तो गैस अपने को नेक्स्ट महीने के एंड तक देखने को मिल जाएगा, हालांकि ये एक पॉसिबल लीक है लेकिन अभी का कंफर्म अपडेट यही कि गैस इसे अपडेट के बाद गेम के अंदर रिंग इवेंट के अंदर ला दिया जाएगा। अगर भाई डायमंड वाले इवेंट को देख के ठीक है गैस आप सभी का मन नहीं भरा है ठीक है, तो आइए गैस अब मैं आपको गजब की अपडेट देता हूँ जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, लेकिन इससे पहले गैस आप सबकी जिम्मेदारी बनती है ठीक है, मैं आप सभी को इतनी मस्त मस्त खतरनाक अपडेट ढूंढ के लाके देता हूँ ठीक है, तो आपको गैस ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको बस एक कमेंट करना होता है और इस वीडियो को एक लाइक करना होता है। इस बार गैस टारगेट है कि भाई 4000 लाइक्स कंप्लीट करने का ठीक है, तो भाई 4000 लाइक्स कंप्लीट करवा देना और 500 कम है ठीक है, तो भाई मेरे को लगता है कि यार बहुत ही कम टारगेट है ठीक है, तो आप लोग कंप्लीट करवा दोगे। वेल गैस इस बार अपने दिवाली इवेंट के थीम पे सबसे पहले गैस आपको ये वाला मेल बंडल देखने को मिलेगा, जिसे गैस आपको देख के अंदाजा लग गया होगा कि इसे गैस हमने हमारे भाई हनुमान जी के थीम पे इसे बनाया गया, जो कि भाई काफी खतरनाक है। इसके अंदर गैस आपको ट्रिगर इफेक्ट भी मिलेगा, आई मीन गैस क्या बोले ठीक है नॉकडाउन इफेक्ट और गैस एनिमेशन इफेक्ट, जो कि आप लोग देखो भाई कते खतरनाक और भयंकर लग रहा है। जामवन जी के थीम पे गैस एक रिच वाला बंडल आपको देखने को मिलेगा ठीक है, जो कि गैस ये वाला जामवन जी का जो बंडल है अपने को गैस इस बार के दिवाली इवेंट के अंदर से फ्री में क्लेम करने को दिया जाने वाला है। हनुमान जी का जो बंडल था ठीक है गैस उसके अंदर एनिमेशन वगैरह का एनिमेशन था, इसलिए अपने को फ्री नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं है तो इसलिए गैस ये फ्री मिलेगा। और यार इस बार के दिवाली इवेंट का स्पेशल ही गैस एक अराइवल एनिमेशन को डिजाइन करा गया, जो कि गैस आप लोग देखो ठीक है भाई अराइवल एनिमेशन भाई खतरनाक यार भाई कते मजा आ गया। काफी मस्त बात ये रहेगी कि अराइवल एनिमेशन गैस फेडल विल के अंदर ला दिया जाने वाला है, और गैस आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा लेकिन मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ। और गैस अपडेट ये है कि गैस ये जो गैस आप लोग इमोट को देख रहे गैस ये जो इमोट है यार ये है गैस अपने हनुमान जी के थीम पे ही, आई मीन गैस दिवाली इवेंट के अंदर ही ये है, क्योंकि ठीक है जो बंडल है किसके थीम पे ठीक है तो भाई हनुमान जी के थीम पे, और जो हनुमान जी है उसके हाथ में होते है गदा, तो यार ये देखो भाई ये जो गैस गदा वाला इमोट है गैस यार दिवाली इवेंट के अंदर ही आपको क्लेम करने को दिया जाने वाला है। अब यार इमोट तो कते खतरनाक है, तो फ्री तो मिलने से रहा, आपको किसे डायमंड इवेंट के अंदर ला दिया जाने वाला है। अगर गैस आपका क्वेश्चन ये है कि भाई लास्ट बार दिवाली इवेंट के अंदर ठीक है जो गैस महाराजा रावण का बंडल और अपने ठीक है जो राम जी का बंडल है यार उससे अपन लोग क्लेम करने से चूक गए थे, तो भाई इसका भी जो गढ़ गर्ना के मालिक चावली अपन कलेक्ट करने वाला है ठीक है। दरअसल जो राम जी का बंडल और जो राजा रावण का बंडल ठीक है अपने को देखने को मिलने वाला है रिंग इवेंट के अंदर वापस
वापस अपने गेम में रिटर्न में। तो भाई प्रभु श्री राम का बंडल और गैस राजा ठीक है रावण का बंडल गैस अगर गैस आपको लेने से ठीक है गैस चुक गए थे तो गैस आपको वापस रिंग इवेंट के अंदर माध्यम से ठीक है आपको क्लेम करने को दिया जाने वाला है। अब आप मुझे कमेंट के अंदर बताओ कि यार आप लोग और क्या क्या गैस इवेंट के बारे में जानना चाहोगे ठीक है। लेकिन तब तक के लिए एक चीज कन्फर्म है, नेक्स्ट लकी वीली इवेंट की डेट और गैस नेक्स्ट लकी वीली इवेंट के रिव्यू और उनके बंडल आपको जानना है लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। नेक्स्ट इवो वर्ल्ड इवेंट में कौन सी इवो गन आएगी जानना है राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।